हाय एवरीवन, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म। आज हम बहुत सारे दिनों बाद मिल रहे हैं, लगभग 3 महीने हो चुके हैं, बट हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। मैं मैसेजेस पे रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं विराज को शैडो टीचिंग भी कर रही हूँ एंड अपना ऑफिस भी मुझे मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर साथ में अभी देविका छोटी है तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है और मुझे थोड़ा सा यूट्यूब से ब्रेक चाहिए था अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसीलिए जो है इतना ज़्यादा लंबा टाइम मैंने लिया कि मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया। आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि विराज को जो शैडो टीचिंग मैं कर रही हूँ वो कैसे जा रहा है। एज ये मेरे लिए भी एक न्यू लर्निंग है और अभी भी मैं लर्न ही कर रही हूँ कि कैसे करना होता है, बट स्टिल अभी जो एज अ पेरेंट मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ वो पार्ट मैं आपसे शेयर करूंगी। तो विराज की जो शैडो टीचिंग है वो मैं ही कर रही हूँ, मैंने किसी शैडो टीचर को नहीं रखा। हमने स्कूल से बहुत रिक्वेस्ट करी थी एंड स्कूल ने हमें जो है अलाउ किया है फाइनली, एंड मैं जो है विराज के स्कूल में एज अ शैडो टीचर जाती हूँ। विराज का लगभग 5 आवर्स का स्कूल होता है, इस दौरान जो मुझे विराज के साथ काम करना होता है एज अ शैडो टीचर। तो जब हम घर से निकलते हैं मैं और विराज, साथ में देविका भी जाती है, वहीं पर डे केयर है तो देविका डे केयर में रहती है, एंड जब हम विराज और मैं निकलते हैं तो मैं विराज को जो है गाड़ी में ही थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट करती हूँ। जो भी वर्बल लैंग्वेज मैं यूज़ कर सकती हूँ उसे स्टोरी बिल्ड कर सकती हूँ कि हम स्कूल जा रहे हैं एंड वहाँ जाके आज ये काम होगा। क्योंकि क्या होता है कि आप जब स्कूल जाते हैं या स्कूल का आप जब एडमिशन लेते हैं तो क्लास का जो करिकुलम है वो एक हफ्ते का शेयर हो जाता है ऑलरेडी आपके साथ, एंड विराज के स्कूल में 15 डेज का करिकुलम ऑलरेडी शेयर्ड होता है। तो जो भी वर्क स्पेसिफिक डे पर होने वाला है मैं उसको गाड़ी में वो चीज़ जो है वर्बलाइज करते हुए जाती हूँ। तो ये एक मेरा काम होता है कि मैं विराज को जो है थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, मे बी 10%, 20%, 100% जितना भी उसके दिमाग में जाएगा एटलीस्ट ही विल बी एबल टू रिलेट, क्योंकि उसके लिए एकदम से अनसर्टेन नहीं होगा, उसको पता होगा कि क्लास में जाके आज क्या क्या होना है। जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो विराज का सर्कल टाइम होता है। सबसे पहले सर्कल टाइम में मेनली जो है बच्चों को डेट क्या है आज और कौन सा मंथ चल रहा है, आज कैसा वेदर है, एंड एक छोटा सा सॉन्ग जस्ट टू एड्रेस एवरी चिल्ड्रन इन द क्लास कि हम लोग जो है आज प्रेजेंट है, वो करना होता है। उसके बाद एक नेम टैगिंग वाली चीज़ होती है। नेम टैगिंग ऐसे होता है कि आपका जो नेम है उसका एक टैग बना हुआ है, आपको जाके अपना नेम पिकअप करना है एंड वहाँ पर जाकर एक बोर्ड बना हुआ है, वहाँ पे पॉकेट्स बनी हैं आपके नेम की, वहाँ पर आपको रखना है। फिर विराज की कभी बनी हुई है, वहाँ पे विराज का नेम टैग्ड है, वहाँ पे विराज को अपना बैग रखना होता है। तो मैं विराज से ही वो बैग जो है वहाँ रखवाती हूँ। विराज को अपनी बुक्स जो है वो रोज़ मिलती हैं होमवर्क के लिए एंड वापस उसको जो है उनको कबीज़ में रखना होता है जहाँ जहाँ पर उनकी जगह बनी हुई है। तो मैं विराज को वो बुक्स देती हूँ, जैसे इंग्लिश है तो मैं विराज को बोलती हूँ ई फॉर इंग्लिश, तो आप मैच करो एंड अपनी बुक को वहाँ रखो। तो ये सारा काम भी मैं विराज से ही करवाती हूँ। साथ साथ ये मेक श्योर करती हूँ कि विराज सर्कल टाइम ज़रूर अटेंड करे, चाहे उसे थोड़ा सा ही समझ आ रहा है बट करे ज़रूर। एंड मेन यही होता है कि टीचर जो हैं वो एक क्वेश्चन विराज से ज़रूर पूछे, लाइक हाउ इज़ द वेदर, कौन सा मंथ चल रहा है या आज कौन सा डे है। तो कोशिश यही रहती है कि विराज जो है थोड़ा सा उसमें जो एक पार्टिसिपेशन है वो ज़रूर करे। तो मैं मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक क्वेश्चन वो विराज से ज़रूर पूछे ताकि क्राउड में उसे वो आंसर देना समझ में आए, जैसे सब दे रहे हैं वैसे दे। क्योंकि विराज के साथ जो मेन इशू है वो यही है कि वो जो इतनी सारी जो पब्लिक सेटअप होता है उसमें वो थोड़ा सा जो है हेजिटेट करता है अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तो वो हेजिटेशन ब्रेक डाउन करने के लिए, वो एक जो है झिझक मिटाने के लिए मुझे ये चीज़ जो है प्रैक्टिस करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। एंड हम लोग ये रेगुलर रखते हैं कि एक बार विराज से क्लास में जो है सबके सामने कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कोई चीज़ पूछी ज़रूर जाए। साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है विराज का फ्री प्ले टाइम, और वो सारे ही बच्चों को मिलता है। तो आपको जो है सर्कल टाइम के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है बच्चों को, क्योंकि एकदम से आते ही पढ़ाई नहीं कराते हैं क्लास में, तो बच्चों को फ्री प्ले टाइम देते हैं जिसमें खूब सारे टॉयज़ होते हैं, बच्चे गेम खेल सकते हैं, और वहाँ पर जो है बच्चे खूब सारी गेम्स खेलते हैं। तो विराज को मैं इंश्योर करती हूँ कि वो बीच में ही बैठे, अपने सर्कल के वहीं पर बैठ के वो प्ले करे। ये नहीं करती कि अलग से उसके डेस्क पे वो टॉयज़ ला कर रख दूँ वो वहाँ प्ले करे, क्योंकि मेन एजेंडा स्कूल ले जाने का एंड उसे शैडो करने का यही है कि मैं उसके साये की तरह अगर जा रही हूँ तो मैं एक डिस्टेंस पे खड़ी रहूँ एंड वो जो है क्लास में अपने आप इंडिपेंडेंटली एक्ट करे। क्योंकि अगर मैं बार बार उसको इंस्ट्रक्शन दूंगी तो उसको ये आदत नहीं पड़ेगी कि और लोगों से इंस्ट्रक्शंस कैसे लेनी है। तो मैम से जो है रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आप ही उसे इंस्ट्रक्ट करिए, अगर वो आपकी बात नहीं मानेगा तो मैं इंटरवीन करूंगी। तो मैम की इंस्ट्रक्शंस जो है अभी उसने फॉलो करनी उतनी अच्छे से स्टार्ट नहीं करी है, बट थोड़ा थोड़ा सा वो जो है सुनने लग गया अपनी मैम को। बिकॉज अगर मैम कुछ पूछ रही है कि कॉपी में क्या चीज़ लिखी है या आप बता के जाओ या हाय करो, गुड मॉर्निंग करो, बाय करो, तो उतना वो करने लग गया है।
जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है राइटिंग का. राइटिंग वर्क जो है मैं मेक श्योर करती हूँ विराज क्लास में ही करके आएगा. क्लास वर्क ऐसा नहीं करती, उसको ये हैबिट नहीं डाल रही हूँ कि ठीक है आप नहीं लिख रहे ना कोई बात नहीं हम घर जाके कर लेंगे, वो हैबिट ही नहीं डाली है. मैं उसको ये मेक श्योर करती हूँ कि चाहे वो सेम क्लास में बैठ के लिखे या अगर कोई खाली रूम है और मुझे वहां ले जाके उसे लिखवा के लाना है तो वहीं लिखे. लेकिन उसके अंदर ये हैबिट डेवलप कर दी है मैंने कि उसको स्कूल में ही अपना क्लास वर्क खत्म करके जाना है, घर में नहीं लेकर जाना क्लास वर्क. तो अब उसके साथ ये हैबिट डेवलप हो गई है. तो क्लास में जब वर्क मिलता है तो बेशक मुझे उसके साथ बैठ के उसको बताना पड़ता है कि कैसे लिखो. हैंड होल्डिंग राइटिंग नहीं मैं करवाती हूँ क्योंकि विराज को राइटिंग ऑलरेडी आती है, कॉपी करना आता है स्टफ ब्लैक बोर्ड से, तो वो वाली प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी घर पे बहुत ज्यादा करवा दी थी. तो इसीलिए अभी जो है विराज को वो प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे हैंड होल्डिंग करनी पड़े. मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर मैं दूर खड़ी हूँ और मैं विराज को वर्क दे के गई हूँ कि आप कर लो, वो चीज़ अभी नहीं होती. अब इसके बाद जो है विराज का एक जुम्बा क्लास का सेशन होता है या एक्टिविटी होती है किसी भी तरीके की जिसमें फिजिकल वर्कआउट हो, चाहे उनके जो पीटी सर है वो उनको गेम्स खिलाएं, चाहे वो रनिंग हो या फिर वो बच्चों के साथ जो है आउटडोर प्ले हो या किसी भी तरीके का डांस हो, वो सारी जो एक एक्टिविटी है वो 45 मिनट्स के लगभग का एक सेशन होता है जिसमें बच्चों की एनर्जी थोड़ी सी ड्रेन आउट हो जाए. इसके बाद मील टाइम होता है. मील टाइम के बाद में थोड़ा सा फ्री प्ले फिर से टीचर्स देते हैं. एक्टिविटी ज़रूर होती है इनके क्लास में. एक्टिविटी में कुछ भी हो सकता है, टच एंड फील एक्टिविटीज हो सकती हैं, सैंड प्ले हो सकता है या फिर बच्चों को जो है अल्फाबेट से एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करना है या फ्रूट्स को रिकॉग्नाइज करना, उसकी मैचिंग करनी है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज डिजाइंड है. या किसी साउंड को सुन के पॉइंट आउट करना है कि ये साउंड जो है वो किस ऑब्जेक्ट से आ रही है. तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं जहां बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है. और पर्सनली ये जो पार्ट है, ये एक्टिविटी का जो पार्ट है, ये विराज बहुत इंजॉय करता है क्योंकि विराज को जो है ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं. फ्री प्ले एक्टिविटी डांस क्लास में अगर हम जा रहे हैं ऐसा, ऑब्वियसली पढ़ाई तो बच्चों को नहीं पसंद आती है, बट स्टिल हाँ ये वाला पार्ट वो जो है इंजॉय करता है. स्टार्टिंग में जब हम स्कूल लेकर गए थे तब उसके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा उसे इरिटेशन होती थी और उसके लिए ये बहुत न्यू एक्सपीरियंस था कि मेरी मदर साथ में आई हैं. और बच्चों के साथ क्या होता है कि जो अपनी मॉम के साथ जब बच्चे जाते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमें जो है कोई कुछ कहेगा नहीं, एंड मॉम भी हमें जो है या मदर फादर जो भी साथ में आए हैं वो भी हमें सबके बीच में कुछ कहेंगे नहीं. तो कभी कभी जो है विराज इस बात का एडवांटेज लेता था एंड जो है चीज़ें नहीं करना चाहता था. बट मैंने मैम से भी ये रिक्वेस्ट करी हुई थी एंड मेरी खुद की भी जो है यही प्रैक्टिस थी, आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट. कोई भी ये जो एक्सक्यूज़ है, क्योंकि जब मैं स्कूल का गेट एंटर करती हूँ, फ्रॉम दैट मोमेंट जब से मैं एग्जिट करती हूँ स्कूल का गेट, मेरा जो काम है वो एज अ टीचर होता है, मैं एज अ मदर बिहेव नहीं करती हूँ. तो ये आप अगर अपने बच्चे के साथ स्कूल में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है कि शैडो टीचर का क्या रोल होता है, अगर एक पेरेंट जा रहा है या अगर एक शैडो टीचर जा रही है तो उनका क्या रोल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज अ पेरेंट तो नहीं जाती हूँ, मैं एज अ शैडो टीचर ही जाती हूँ. तो अगर इफ़ आई एम बिहेविंग लाइक अ टीचर तो मैं टीचर की तरह ही करती हूँ. अगर विराज को स्कूल में एप्रन पहनकर लंच बॉक्स खाना है तो वो एप्रन खुद ही पिक करेगा, उसको टाई करने का काम मैं करूँगी क्योंकि बाकी सारे बच्चे भी टाई करवा रहे हैं. लेकिन अगर लंच बॉक्स खोलना है, अपने आप खाना खाना है तो वो मैं नहीं करूँगी, बिकॉज टीचर और बच्चों के साथ भी वही चीज़ कर रही है कि टीचर आपको लंच बॉक्स जो है या फिर जो लंच है वो सर्व करेंगे बट आपको खिलाएंगे नहीं, यू आर सेल्फ डिपेंडेंट फॉर दैट. तो इसीलिए वो विराज को जो है वो वाला पार्ट जैसे जैसे सारे बच्चे फॉलो करते हैं वैसे ही विराज को मैं कोशिश करती हूँ करवाऊँ. कुछ पार्ट्स में नहीं हो पाता है लेकिन कुछ पार्ट्स में जो है बिल्कुल वैसे ही कॉपी करवाने की कोशिश करती हूँ जैसे सारे बच्चे कर रहे हैं. इससे क्या है, विराज को जो सोशल सेटअप में जैसे सब लोग कर रहे हैं वो चीज़ समझ में आती है. एंड ये कोई प्रेशर बिल्डिंग नहीं है, ये बेसिकली सोशली फंक्शनल बनाने का एक वे होता है ताकि बच्चे को जो है ये समझ में आए कि अगर मैं इस सराउंडिंग में हूँ तो मुझे किस पैटर्न में चलना है या मुझे किस तरीके की चीज़ें करनी है. तो एक यूज समझ में आता है, एक स्ट्रक्चर समझ में आता है और यही एक रीज़न है स्कूल ले जाने का. अदरवाइज होम स्कूलिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन जहाँ पे बच्चे कोप अप कर ही नहीं सकते पब्लिक सेटअप में. बट ये हमने एक कॉल ली है, हमने एक डिसीजन लिया है, हमें विराज को जो है सोशल सेटअप में एक्सपोजर देना है बिकॉज हमने विराज के साथ जितना एक्सपोजर उसको दिया है उतनी ही ज़्यादा हमने इम्प्रूवमेंट्स देखी हैं. विराज के साथ एक हैबिट थी पिछले स्कूल में जब वो था कि वो जाके अपने शूज़ उतार देता था, सॉक्स उतार देता था. इस बार इस जो सेशन में जो नया स्कूल है वहाँ पर मैंने उसको आज तक एक बार भी नहीं देखा कि उसने शूज़ और सॉक्स उतारे हों. इरिस्पेक्टिव एक बार ऐसा हुआ था बट कभी भी नहीं, मतलब आई कैन रियली रियली अश्योर कि उसने कभी ऐसा नहीं करा. उसकी जो हाइपर एक्टिविटी का इशू था कि वो वॉक करता रहता है, वो चीज़ भी नहीं है बिल्कुल भी. तो अगर मैं वहाँ गई हूँ, मैं ऐसा नहीं करती कि मैं बिल्कुल उसके हेड पे होवर अराउंड करती हूँ, मैं बहुत डिस्टेंस पे खड़ी रहती हूँ
एंड विराज अपनी सीट पर बैठता है। जब वो उठता है तब मैं उसको गुस्सा करती हूँ कि नहीं उसे बैठना है। आई इंश्योर कि मैं विराज को जो है बहुत ज़्यादा डांटू नहीं या बहुत ज़्यादा जोर से येल नहीं करूँ क्लास के अंदर, क्योंकि उसके दो कारण है। पहला तो बच्चे का मोरल डाउन होता है कि मुझे पब्लिक सेटअप में डांट पड़े। पहले ही बच्चा बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता है एंड अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे का जो है मोरल बहुत डाउन हो जाता है एंड बच्चे बहुत शेल में चले जाते हैं। ये टिपिकल बच्चों के साथ भी होता है, तो ऑब्वियसली जो ऑटिज्म में बच्चे होते हैं ऐसा कहते हैं उनके अंदर इमोशंस नहीं है, बट उन्हें सब समझ आता है और वो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव भी हो सकते हैं। लाइक विराज इज़ वेरी सेंसिटिव, आई नो दैट, तो मैं वो चीज़ अवॉइड करती हूँ। दूसरी चीज़ जो है वो इसलिए भी मैं जो है बहुत ज़्यादा हाई पिच नहीं करती या बहुत ज़्यादा जो है विराज को नहीं डांटती हूँ, बिकॉज वहाँ और बच्चे भी बैठे हैं तो उनको भी डिस्ट्रैक्शन होती है। तो एज अ शैडो टीचर यस, विराज का बेनिफिट भी मेरे माइंड में होता है, बट आई ऑल्सो इंश्योर कि किसी और बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सभी बच्चे वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। मुझे पता है मेरा जो YouTube का चैनल है बहुत सारे शैडो टीचर्स देखते हैं, तो विराज के स्कूल में और भी स्पेशल स्टूडेंट्स आते हैं जिनमें से कुछ शैडो टीचर्स मेरा चैनल देखते हैं। मेरी हर शैडो टीचर से, चाहे वो एज अ पेरेंट आप जा रहे हैं या फिर आप एक हायर्ड शैडो टीचर हैं, आपसे मेरी एक बहुत बहुत जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को ये कोशिश करिए। आई नो इट्स योर जॉब। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी जॉब जो है वो चलती रहे, इसलिए वो बच्चे को बहुत डिपेंडेंट कर देते हैं अपने ऊपर। तो एज अ शैडो टीचर आपका टारगेट होना चाहिए कि बच्चा आप पे डिपेंडेंट ना रहे। लेकिन अगर आप एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचें तो उसे आपको सेल्फ डिपेंडेंट करना है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप एक डिस्टेंस से उसे शैडो करें, बहुत ज़्यादा उसको डिपेंडेंट ना बनाए कि बुक्स भी मैं ही निकाल के दे रही हूँ या फिर लंच बॉक्स भी मैं ही जो है ओपन करके दूंगी, मैं ही खिलाऊंगी, और अगर बैग टांगना है तो चलो आप बैग मत टांगो, मैं आपका बैग लेके नीचे तक चलती हूँ आपकी जब तक मदर फादर नहीं आते पिकअप के लिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, वॉशरूम लेके जाना है तो चलो मैं आपका हाथ पकड़ के आपके हैंड्स वॉश करा देती हूँ। ये सारी ही जो चीज़ें हैं ना, ये आपको नहीं करने की ज़रूरत है। लेट द चाइल्ड डू इट। थिंक एज अ पेरेंट, बी अ टीचर, बट थिंक एज अ पेरेंट ऑल्सो, क्योंकि आप अगर बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं करेंगे तो आपका टारगेट वहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है। यू आर नॉट डूइंग अ शैडो टीचर्स जॉब सक्सेसफुली। इट इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड अ वेरी ब्रूटल ट्रूथ, बट आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि आप बच्चे के सारे काम जो है खुद ही कर रहे हैं क्लास में। क्योंकि हम बच्चे को लेकर आए हैं, बच्चे को सोशल सेटअप में जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए, दूसरे बच्चों से मिलवाने के लिए, कि वो टीचर का इंस्ट्रक्शन सुने, वो और लोगों से इंस्ट्रक्शन सुने। अगर आप ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ले लेंगे कि आप उसकी हैंड होल्डिंग से राइटिंग करवा रहे हैं, या फिर अगर वो बच्चा नहीं कर रहा तो आप ही उसकी राइटिंग कर रहे हैं, वो चीज़ आप बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। एक ऑनेस्ट अप्रोच लेके चलिए, बिकॉज आई नो इट इज़ अ पेड जॉब, बट ऑल्सो इट इज़ अ वेरी नोबल कॉज जो आप कर रहे हैं। आप एक बच्चे की मदद कर रहे हैं स्कूल में आके। तो एज अ शैडो टीचर प्लीज़ प्लीज़, आपका मेन टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए कि आप बच्चे को डिस्टेंस से शैडो करेंगे, अगर बच्चा नहीं मान रहा टीचर के इंस्ट्रक्शन तो आप इंटरवीन करेंगे, और साथ साथ ये भी है कि बच्चे की जो मेन चैलेंजेस हैं उन पे काम करेंगे। अगर बच्चा सोशल सेटअप से डरता है तो जैसे मैंने एक चीज़ ऑप्ट करी है कि मैम आप कुछ पूछिए विराज से सबके बीच में, अगर किसी बच्चे के साथ राइटिंग का इशू है तो आप मैम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे क्या इसको लिखवा सकते हैं सारे क्लास के बीच में, ताकि वो एक हेजिटेशन या फिर बहुत सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं आप उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर एनी गुड स्कूल विल नॉट डिनाई यू फॉर दिस। तो हम बहुत लकी हैं हम जिस स्कूल में विराज के जाते हैं, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ, बहुत सारे लोग उनसे पूछते हैं नाम, बट ऑनेस्टली देर आर टू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन्स दैट आई विल नॉट डिस्क्लोज विराज स्कूल नेम। बहुत सारे लोगों की बात अच्छी नहीं लगेगी, बट पहला रीज़न यही है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाते हैं बच्चे को लेकर। मैंने ये पास्ट में थोड़ा सा जो है मैंने विराज के पुराने स्कूल का नाम बता दिया था, तो मैंने वहाँ पे एक एक्सपीरियंस ऐसा लिया है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डरती हूँ, मैं इसलिए नाम नहीं बता रही हूँ। सेकेंड चीज़ ये है कि हम स्कूल के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। अगर स्कूल नहीं चाहता कि हम सोशल मीडिया पे आकर उनका नाम बताएं, क्योंकि कई बार या तो स्कूल के पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं वैसी, या फिर कई बार स्कूल के पास जो है उतना कोटा नहीं होता उतने सारे बच्चों को एकोमोडेट करने का, एंड कई बार सोशल मीडिया पे ऐसा जो है नाम बता देने से बहुत सारे पेरेंट्स रीच आउट करते हैं एंड वो नहीं चाहते कि वो किसी को भी डिसअपॉइंट करें। आई होप आप में से जितने भी पेरेंट्स हैं वो मेरे पर्सपेक्टिव से सोचेंगे एंड ये बात को समझेंगे कि मैं क्यों स्कूल का नाम डिस्क्लोज नहीं करती, क्योंकि इस पे मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है और ये चीज़ जो है मुझे बहुत बुरा लगता है कमेंट्स पढ़कर, बट दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि मैं क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो है विराज की सिक्योरिटी इज़ द प्राइम कंसर्न।
एंड जो कि वायलेट हुई है पिछले जो पुराना स्कूल था उसमें. तो ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से मैं स्कूल का नाम नहीं डिस्क्लोज करती हूँ. हालांकि अगर आपको स्कूल के नाम देखने हैं, कौन से स्पेशल स्कूल्स हैं यहाँ पर या फिर कौन से मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, तो मैंने वो चीज़ हेल्प आउट करने के लिए यूट्यूब की कम्युनिटी पे वो चीज़ें डाली हुई हैं ऑलरेडी. बट देन अगेन, विराज के स्कूल का स्पेसिफिक नाम मैं नहीं बता पाऊंगी. अब आपसे जो मेरी मेन रिक्वेस्ट है वो यही है कि अगर आप शैडो टीचर हायर कर रहे हैं तो फर्स्ट डे पे ही आप शैडो टीचर को स्कूल मत भेज दीजिए अपने बच्चे के साथ. 2 या 3 महीने या एटलीस्ट 15 डेज का टाइम दीजिए. शैडो टीचर को घर पर बुलाइए, बच्चे के साथ जेलअप करवाइए. बच्चे को वो बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है शैडो टीचर के साथ, ताकि वो स्कूल जाके उनके साथ एडजस्ट कर पाए. अगर आप पहले ही दिन किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपने बच्चे को भेज रहे हैं स्कूल के अंदर, बच्चा कोपअप भी नहीं करेगा, सुनेगा भी नहीं, लाश आउट करेगा, और वो 15 दिन या 20 दिन जो है टीचर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट बीतेंगे. जो शैडो टीचर होंगी, क्लास के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, बच्चा मेन स्ट्रीम क्लास में बैठ भी नहीं पाएगा. एक जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि विराज क्या स्पेशल स्कूल में, नहीं, विराज मेन स्ट्रीम स्कूल में है. यहाँ पे कोई स्पेशल यूनिट नहीं है, बट हर बच्चे को अलाउड है क्लास में होना. तो जो है ऑटिज्म जो जिनको होता है बच्चों को, या ADHD का इशू है, वो बच्चे आ सकते हैं क्लास के अंदर, लेकिन जो है शैडो टीचर को आना ज़रूरी है. ही जो है इन्हीं 3 महीनों में विराज में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने खुद देखा है विराज के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं. उसके बहुत सारे चैलेंजेस खत्म हो गए हैं. उसका एक जो मेन चैलेंज है वो अभी भी यही है कि उसे आर्टिकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है कि उसे क्या कहना है. उसे ये तो दिमाग में होता है कि उसे कहना क्या है, क्योंकि वो जेस्चर्स यूज़ करता है, वो बहुत सारी जो है ऐसी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हमें चीज़ें बताने की कोशिश करता है. बट उसको एक आर्टिकुलेशन नहीं समझ में आता कि एक सेंटेंस में उसे वो चीज़ कैसे कहनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे बाइसिकल राइड करनी है तो ही विल कीप सेइंग बाइसिकल, आई वॉन्ट बाइसिकल, बट उसे ये नहीं कहना आता कि नीचे चलो बाइसिकल चलानी है. लाइक एक जो टिपिकल बच्चा एक अच्छी आर्टिकुलेशन कर सकता है, एक अच्छे तरीके से सेंटेंस को नेरेट कर सकता है, वो चीज़ उसको अभी प्रॉब्लम आती है. अदरवाइज उसके बहुत, आई वुड से उसके 90% चैलेंजेस जो हैं काफ़ी कम हुए हैं. और मेरी डॉटर के आने के बाद में उसमें वो जो एक सोशल स्किल है, बच्चे को बुलाना, बच्चे के साथ खेलना, बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना, वो चीज़ जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है. अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वंस अगेन, तो आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी. एंड इनफैक्ट देविका का भी एक हैंडल है इंस्टाग्राम पर, पेरेंटिंग हर करके, तो उसकी परवरिश कैसे हो रही है मैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है स्निपेट वहाँ पे भी शेयर कर रही हूँ. वहाँ पे भी विराज की कुछ क्लिप्स डाल देती हूँ, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा दोनों का बॉन्ड कैसा है. तो अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे देखना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो ए फॉर ऑटिज्म फैमिली करके आप सर्च करेंगे अगर, तो मैं आपको वहाँ मिल जाऊंगी. एंड देविका का जो हैंडल है वो पेरेंटिंग हर है, तो वो भी आपको मिल जाएगा. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. इट्स अ लॉन्ग वीडियो बिकॉज बहुत दिनों से बात नहीं करी थी, तो थोड़ा लंबा था वीडियो. बट आई एम श्योर मैंने जो है आपके जो कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस थे शैडो टीचिंग को लेकर, या किस तरह मैं शैडो कर रही हूँ, या क्या विराज का जो करिकुलम है स्कूल का कैसे चलता है, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. एंड इट्स वेरी सिंपल थिंग, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है. इट्स जस्ट कि आपका माइंडसेट कैसा है जब आप एज अ शैडो टीचर जा रहे हैं स्कूल में. तो जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे, जब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय.